और देहाती भाषा में बोला जाए ना कपड़ा भारी हो गई था, कपड़ा भारी हो गई था। यहाँ बहुत लोग खेती हो गए आय कर रहे हैं। देखिए ये देखिए सब लोग मतलब बारिश में एकदम कनकनिया गए हैं। हेलो हाई दादी कहा तरी कोनो दिक्कत नहीं थे, ठीक बना। हे गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड आज हम चल रहे हैं मुंबई के बहुत ही फेमस प्लेस पे, जिस प्लेस का नाम है गेटवे ऑफ इंडिया। तो अगर आप मुंबई आए होंगे पहले तो आपको पता होगा ये प्लेस का नाम, अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको ले चल रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है। और आप वहाँ पर जा सकते हैं मुंबई की लोकल ट्रेन से, विरार से अगर जाना चाहते तो विरार टू चर्चगेट का ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, और किसी प्लेस से जाना चाहते हैं तो भी आपको चर्चगेट या बीटी जाना पड़ेगा, वहाँ से आप गेटवे ऑफ इंडिया जा सकते हैं। लास्ट स्टॉप है लोकल ट्रेन का चर्चगेट, वहाँ से बहुत नज़दीक है, और TST से भी गेटवे ऑफ इंडिया बहुत ही नज़दीक है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो हम ले चल रहे हैं आपको वहाँ का पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। और अभी बारिश बंद हो गई, देख सकते हैं थोड़ा भी बारिश नहीं है, लेकिन बारिश अचानक से आ जाती है। तो हम मीरा रोड में हैं अभी और टिकट निकाल लेते हैं, फिर आपको ले कर चलते हैं वहाँ। क्या नाम है आपका? परदीन। क्या कर रहे हो यहाँ पे? काम। शॉप है आपका? हाँ। अच्छा छतरी बेच रहे हो? तो देखिए भाई का शॉप है यहाँ पे छतरी, अभी बारिश का सीजन है। क्या रेट में है ये? रोहित है 500-600 रुपये में मिलता है। 500? इसको इंटरनेट पर चेक करेंगे तो 800 रुपये का मिलता है ऑनलाइन। अच्छा तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी है खाद्य की। तो ये भाई साहब स्टेशन पे लगाते हैं, देखिए आप ब्रिज से जैसे ही उतरेंगे यहाँ पे आपको इनका मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे गॉगल्स भी ले सकते हैं, वॉचेस भी है, वॉचेस भी है इनके पास। तो आप फाइनली पहुंच चुके हैं चर्च गेट रेलवे स्टेशन पे, और चल रहे हैं अभी गेटवे ऑफ इंडिया। देख सकते हैं यहाँ का स्टेशन, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, यहाँ का बहुत ही बड़ा स्टेशन है। और ये विरार से चर्च गेट लास्ट स्टॉप है, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती है, यहीं पे लास्ट स्टॉप है। देखिए चर्च गेट रेलवे स्टेशन यही है, इस तरफ भी ट्रेन लगी है। तो हम चल रहे हैं बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर निकलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक है और ट्रेन लगी हुई है, पूरा लोग यहाँ से जाने के लिए खड़े हैं। देखिए और इधर ट्रेन आ गई चर्च गेट की, और हम बाहर निकलेंगे यहाँ से, तो इधर से भी जा सकते हैं अंदर से भी, और इधर से भी बाहर निकलने का रास्ता है। तो देखिए यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन हम इधर ही से निकल जाते हैं बाहर। तो इधर से देखिए रास्ता बना हुआ है बाहर जाने का। तो गाइज हम चर्च गेट रेलवे स्टेशन के बाहर आ गए हैं, यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया आप पैदल भी चल के जा सकते हैं, और पैदल जाएंगे 10-15 मिनट लगेंगे। और यहाँ पे टैक्सी लगी रहती है, बस भी लगे रहते हैं, तो आपको जो सुविधा है बस से टैक्सी से जा सकते हैं। तो सामने देखिए भुयारी मार्ग है, आप अंडरग्राउंड से भी जा सकते हैं, अगर चर्च गेट स्टेशन पर उतरते हैं तो अंदर से भी आ सकते हैं। और ये बाहर का सीनरी देख सकते हैं, और ये चर्च गेट का देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है चर्च गेट रेलवे स्टेशन वेस्टर्न, तो यहीं से सब लोग बाहर निकलते हैं। और इधर देखिए टैक्सी लगी हुई है, तो आप टैक्सी करके भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, एक बस इधर भी खड़ी है।
गाइज फाइनली पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया के पास और हम बस से आए हैं यहाँ पे। बस का किराया सिर्फ 6 रुपये है, टैक्सी से आते तो 20 या 25 रुपये लगते हैं। तो बस यहीं पे गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ही रोक देती है और 112 नंबर बस से हम आए हैं और चलते हैं आपको वहाँ का पूरा सीनरी दिखाते हैं। और यहाँ की बिल्डिंग देखिए किस तरह की बनी हुई है और इधर सामने भी देख सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे, आगे ही गेटवे ऑफ इंडिया है। देखिए इधर से एंट्री है, यहाँ पे लिखा हुआ एंट्री, तो यहीं से जा सकते हैं। और देखिए कितने लोग घूमने आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत से लोग आ रहे हैं। देखिए ब्यूटीफुल नज़ारा। और यहाँ पे एंट्री की यहाँ पे चेकिंग होता है, पुरुष महिला का दो लाइन है, चेकिंग होने के बाद ही आप जा सकते हैं। तो हम आ गए हैं गेट के अंदर, अगर आपके पास बैग है तो यहाँ पे चेक करते हैं, बैग नहीं है तो कोई चेक नहीं करते। तो हमारे पास कोई बैग नहीं है तो हमारा चेकिंग नहीं हुआ है, सिर्फ गेट के अंदर से ही आपको आना है, बाहर से नहीं आना है। तो यहाँ का नज़ारा देखिए बहुत ही अच्छी हवा यहाँ पे चल रही है, पूरा आपका व्यू दिखाते हैं। चल रहे हैं आगे हम घूमते हुए। देखिए कितना ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे, फोटोग्राफी करने के लिए बहुत ही अच्छा है प्लेस ये। चलते हैं आपको पानी दिखाते हैं यहाँ का, जो समुंदर है कितना पानी यहाँ पे है हम भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। देखिए इधर पूरा समुंदर है, पूरा पानी भरा हुआ है इस तरफ, लोग यहीं से देखते हैं दूर से ही, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो पूरा जाली लगाया हुआ है इधर, ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जाली लगी हुई है, जब बारिश नहीं थी तो ये जाली भी नहीं थी यहाँ पे, अभी बारिश की वजह से ज़्यादा पानी कभी कभी आता है इसलिए यहाँ पे जाली लगी हुई, इसके आगे नहीं जा सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा पानी है, अंदर सिप बहुत बड़ी है, बहुत दूर है यहाँ से। बहुत बड़ी बड़ी शिप चलती है, जहाज़ चलती है बहुत बड़ी बड़ी, अभी बारिश के मौसम है नहीं तो लोग उसमें बोटिंग भी करते हैं, लेकिन बारिश का मौसम है बहुत ज़्यादा है इसलिए बोटिंग बंद है इस समय। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना अच्छा सीनरी है। चल रहे हैं आगे उधर ताज होटल की तरफ में, आगे ताज होटल है, आपको ताज होटल दिखाते हैं। तो हमें यहाँ पे एक फ्रेंड मिल गए, देखिए क्या नाम है भाई आपका, मोहम्मद परवेज, और ये कहीं पे जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे आए थे घूमने, एंजॉय करेंगे कुछ टाइम तक, बता दो कहाँ जा रहे हो। सऊदी से आए हैं, अच्छा हैदराबाद जा रहे हैं, इंडिया गेट से फिर डायरेक्ट जाएंगे अपने घर से, आपका घर है वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ फोटोग्राफी करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे क्योंकि बहुत अच्छा प्लेस है,
फोटो तो खींचना ही चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सामने ना ताज होटल है, तो बहुत से लोगों ने ताज होटल के बारे में सुना होगा, तो यही है ताज होटल, देख सकते हैं। आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं यहाँ का। ठीक है, प्रजावति ब्लॉग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट। वीडियो को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना, ज़रूर बताना। ये देखिए ताज होटल कितना सुंदर है, और उसके बाजू में भी एक ये है, इसका नाम नहीं पता हमें। तो गाइस देखिए बारिश आ गई अचानक से, बारिश मुंबई की कभी भी आ जाती है, तो अभी लोग छिप रहे हैं यहाँ पे। छिपने का जगह वैसा नहीं है, लेकिन यहीं पे साइड में लोग खड़े हो जाते हैं, जिसके पास छाता हो तो छाता लेके खड़ा है। हमारे पास तो छतरी नहीं है, क्योंकि हम छतरी लेके घूमते नहीं हैं, ऐसे ही घूमते हैं एंजॉय करते हुए बारिश का। थोड़ा बारिश में भीगना भी चाहिए, अच्छा भी लगता है भीगने में, इसलिए हमने छाता लेके नहीं आया। तो गाइस देखिए बारिश आ गई है, यहीं भैया के छाता में रुके हम, क्योंकि छाता बहुत से लोग नहीं लेके आए, भीग भीग के एंजॉय कर रहे हैं। देखिए तो गाइस बारिश आ गई है, देखिए बरस रही है, हम भीग भी रहे हैं बारिश में, अच्छा लग रहा है भीगते हुए। छतरी लाए होते तो खोल के खड़े रहते, लेकिन छतरी लाए नहीं है तो भीग ही लेते हैं, भीगने में भी मज़ा आता है, थोड़ा भीगना चाहिए। क्या सीनरी है, वाह, वेरी नाइस। देखिए सब लोग छतरी लेके खड़े हैं कैसे, खूब इंजॉय कर रहे हैं लोग बारिश में, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। छतरी जिसके पास है वो भी भीग रहा है, क्योंकि छतरी कितना बचाएगी। तो गाइस बारिश अभी जा चुकी है, हल्की हल्की, बहुत ही कम है, लेकिन थोड़ा टाइम पहले बहुत तेज आ गई थी, पूरा कपड़ा गीला हो गया हमारा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर लोग भी आते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे दो फॉरेनर लोग हैं, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए पीछे बैकग्राउंड में जा रहे हैं, देखिए यहाँ फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। देखिए सर जी फ़ोटो खींचने के लिए घूम रहे हैं, तो 20 रुपये में, कितना 20 रुपये ना, 30 रुपये में एक कॉपी तुरंत दे देते हैं। देखिए सैंपल में रखे हैं फ़ोटो खिंचा के, 1 फोटो 30 रुपये। क्या नाम है आपका? याद नहीं है, बलराम शर्मा, बलराम शर्मा नाम है। और ये सर जी भी फोटो खींच, भाई शादी नहीं हुआ है, शादी तो यहाँ पे तो बहुत से फॉरेनर भी घूम रहे हैं, शादी कर लीजिए, बोलो शादी भी नहीं हुआ है, बता दो। तो देखिए फॉरेनर हैं, तो उनके साथ में सब लोग सेल्फी ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप आते हैं, आपका मन करता है तो सेल्फी भी ले सकते हैं। तो देखिए मैम के साथ में सब लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो भी खिंचा रहे हैं, अभी हम भी ब्लॉग में ले लेते हैं मैम। तो नंबर लगाएं मैम बोल रहे हैं, बच्चे लोग को भी निकालने, तो आप कितना फ़ोटो निकालेंगे? तो देखिए सब लोग नंबर लगा के फ़ोटो ले रहे हैं, और हम भी साथ में फ़ोटो ले लेते हैं, बात भी करा देते हैं आप लोग। तो गाइस हम उन्हें ब्लॉग में लेने जा रहे थे, हाई कराने जा रहे थे, लेकिन वो लोगों ने ज़्यादा फ़ोटो खींच लिया उनके साथ में, इसलिए वो बोर हो गए, तो बोले हम लोग जा रहे हैं अभी, सॉरी अभी और फ़ोटो नहीं खिंचा सकते। तो इसलिए हमने आपको दिखा दिया ब्लॉग में, सिर्फ उनसे हाई नहीं करवा पाए और चले गए। और बारिश का मौसम इसलिए बहुत कम फॉरेनर आ रहे हैं, नहीं तो वैसे भी ज़्यादा ही आते हैं यहाँ पर। तो अभी हमने देखा यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग थे, और ज़्यादा कोई था नहीं यहाँ पर। I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. चर्चगेट में है गेटवे ऑफ इंडिया, इसके आगे आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, पूरा समुंदर ही समुंदर है, आपको कोई
प्लेस दिखाई नहीं देगा, लेकिन जहाज चलती है, इसमें बोट चलती है, उसमें शिपिंग करके लोग जाते हैं दूर दूर तक, लेकिन बारिश में वो बंद रहता है क्योंकि बारिश बहुत तेज आती है तो पूरा उफान मारता है पानी, से जहाज पलटने का डर रहता है। तो इस समय आप तो बारिश के बाद आएंगे ना तो बोट चलती है बहुत बड़ी बड़ी, उसमें जाके घूम सकते हैं, कहीं भी जाना रहता है तो। बना रहे हैं क्या? हाँ बताइए क्या बोलना है, गाना गा दी क्या बस? हाँ गाना गाइए। कौन गाना सुनबा? जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। शीशा तो देव रहा, शीशा तो गा दी। नहीं बोला, अच्छा गाना गाइए कि पब्लिक देखेगी तो उनको अच्छा लगे। अच्छा पब्लिक देखेगी तो अच्छा लगेगा। हाँ ब्लॉग है ना तो पता नहीं। मलवा के बेटा, सॉरी मलवा के बपुआ दीवार में लगा दिया। अरे शुद्ध गाना गाइए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ब्लॉग है। राम राम भाई, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि भैया चाहते हमने के इंडिया के ट्रायल में निकले और यहाँ बहुत 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 मजा आता, वीडियो बनाओ तेरे भैया इनके साथ। यहाँ पब्लिक बड़ा हंसत ही है, देख लो, देखा हो महाराज, देखा हुआ हमने, देखा हुआ अपना नाम तो बता दो। हाँ विशाल गुप्ता मेरा नाम है भाई। ठीक है क्या भैया, इनके गुस्सा लग गई का एक मिनट हो। तो गाइस हम ब्लॉग बना रहे थे भीग के अकेले अकेले और ये लोग को देख के छाता लेके घूम रहे हैं, मत एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया लगा सकते, हम कल ही आई है गाँव से। कल ही गाँव से अगला है? हाँ अच्छा आता मार दवा देखा है तो कुछ बात है, हमारे गोरखपुर के पब्लिक में आ जाएगी का। तो ये भैया गोरखपुर से हैं तो गोरखपुरिया भाषा बोल रहे हैं। हाँ तो आप लोग यहाँ के होंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा समझ में ना आए, लेकिन हमें तो समझ में आ रहा है। बात और आप लोग इतना प्यार दीजिए भैया को, ऐसा बात को अनुबान आए कि हम यूपी वाला आए तो मतलब कुछ बोल ना सके। नहीं सबको आजादी है यहाँ, थोड़ा बहुत बोल देते हैं काम चलाऊ। यू लुकिंग भैया के ब्लॉग तो मैं लाइक थोकिंग थोकिंग ओके लाइक करिए ओके। देखिए सब लोग जा रहे हैं, जो लोग बहुत पहले आ गए हैं, एक फॉरेनर मैम आ रहे हैं, हम उनको आपको ब्लॉग में दिखाते हैं। पहले दो मैम थी चली गई थी तो। बारिश ना दोस्तों बहुत ज़्यादा ही तेज आ गई है, एक मैम आ रही हैं आगे से लेते। जैसे कि हम लोग आप लोग देख सकते हैं कि एक छाते में तीन जन है और बारिश काफ़ी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो रही है। हम तो पूरे भीग चुके हैं लेकिन ये दोनों जन हैं लेकिन भीगे नहीं। ना ना हम भी भीग गए हैं, पेंटो हमारा पूरा भीग गया, पूरा नीचे का भीग गया है, ये ऊपर खाली सर बचा रहा है छाता देख सकते हैं और बाकी का तो साइड से पूरा भीग ही जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी टूरिस्ट लोग आए हैं ना वो सब लोग घर जा रहे हैं, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है देख सकते हैं। और देखिए कितना लोग सब लोग जा रहे हैं, मोबाइल में ना पूरा पानी आ रहा है तो मोबाइल भी ख़राब हो सकता है ब्लॉग बनाने के चक्कर में। तो देखिए भैया का मोबाइल ख़राब हो सकता है तो आप लोग भी एक लाइक तो लाइक कमेंट जरूर करें और लाइक और कमेंट। ये देखिए मैम का छाता ही पलटी हो गया यहाँ पे, लेकिन वीडियो बनाते बनाते उनका छाता ऑटोमेटिक सही हो गया, लेट हमने वीडियो चालू किया। ये देखिए ये लोग कैसे भीगते हुए मस्त जा रहे हैं। गाइस हम लोग बाहर आ गए हैं गेट से क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, यहाँ पे आके छुप गए हैं देखिए, और चाय मिल रही थी गरम गरम चाय पी रहे हैं, और ये भी भैया चाय पी रहे हैं क्योंकि सबको ठंडी लग रही है थोड़ा थोड़ा, तो चाय पी लेके गरम गरम और इसमें संभावना भी है कि अगर सर भीग गया तो तबीयत भी खराब होगा। हाँ मौसम चल रहा है ना बुखार वाला, भीगने के बाद बुखार तुरंत आ जाता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फीवर, फीवर आ जाएगा, फ्लेवर नहीं फीवर, फीवर फीवर। और ये देहाती भाषा में बोला जाए ना कपड़ा भारी हो गई था, कपड़ा भारी हो गई था। यहाँ बहुत लोग पीते हुए देख सकते हैं बैकग्राउंड आए कर रहे हैं, देखिए ये देखिए सब लोग मतलब बारिश में एकदम तनफनिया गए हैं, मतलब हम लोग जैसे ना बहुत बोल रहे हैं आप लोग कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे आप नहीं।
यहाँ तो आलो देख सके लो हाई दादी को हर तरी को दिक्कत नहीं थे ठीक बन दादी हाल चल क्या हाल बा बोल दादी क्या हाल बा देखे वो बोल नहीं सकती है कि क्या हाल बाटे इसे हाथ हिलाओ तेरी ठीक बा बहुत मजा आ रहा है बहुत और यहाँ पे तो भैया एकदम साथ पी के भुला जाता ना कि क्या करें देखिए भाई दो लोग और यहाँ पे मिल गए हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं बताइए भाई कहाँ से हैं आप भाई मैं गोरखपुर से हूँ भाई अपना नाम बता दो नित्यानंद गुप्ता यहाँ पे आके कैसा लगा आपको एकदम मस्त एकदम एंजॉय फुल एंजॉय पहली बार आए हो कि कई बार आए भाई ये मेरा पहली बार है अच्छा पहली बार है और बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा नहीं भाई बहुत झूठ बोल रहा हम फोटो दिखा दे दिया मैं यहाँ पे बहुत पहले भी आया था मजा ना एक मिनट हम दिखाओ एकदम एंजॉय भाई लाइव एकदम बारिश का मौसम ले रहे हैं हम लोग हाँ बारिश का मजा ले रहे हैं मौसम हाँ सब लोग दोस्त हैं ये है मेरा भाई है हाँ आया है सभी और बड़े भैया हैं ठीक है ये बड़े भैया आपका नाम क्या भैया अच्छा आप कहाँ से हैं सब लोग गोरखपुर से हैं देख सकते हैं हम भी गोरखपुर साइड के ही हैं तो यहाँ पे पूरा दिन कोई ना कोई आते जाते ही रहता देखिए आने जाने वालों की कमी नहीं रहती है झूठे बोला था लाला हाँ भाई हाँ देखिए पहले भी आ चुके हैं हमारे गुरुजी वहाँ आई बनारस वाला जो झूठे झूठे बोला था कि हमें पहली बार है इसके पहले भी आ चुके हैं भाई इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं हम लोग को बहुत ही मजा आया घूम फिर के कई लोग हमसे मिल भी गए दोस्ती भी हो गई तो इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं।